स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसी नंबर में से 1, 10, 100 और 1000 माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने सॉल्व किया था। ओके, आज क्या करेंगे? आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में क्या किया था? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। कौन कौन सी? फर्स्ट थी, अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो आंसर सेम आता है। सेकंड, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर दो दो डिजिट्स के ग्रुप बनाकर थर्ड को ऐड किया जाए तो आंसर सेम आता है, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, कि अगर किसी डिजिट में ज़ीरो को ऐड किया जाता है तो आंसर में सेम डिजिट आंसर मिलता है हमें, ठीक है। ये क्या थे तीनों? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। आज क्या स्टडी करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? सब्ट्रैक्शन की बेटा 2 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। कौन कौन सी? कि अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी डिजिट में से ज़ीरो को माइनस करते हैं, अगर हम किसी डिजिट में से ज़ीरो को माइनस करते हैं तो आंसर में हमें सेम डिजिट आंसर मिलता है, ठीक है। क्या? कि अगर हम किसी डिजिट में से ज़ीरो को माइनस करते हैं तो हमें आंसर में सेम डिजिट आंसर मिलता है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम दो सेम डिजिट्स को माइनस करते हैं, अगर दो सेम डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन होता है तो आंसर में हमें ज़ीरो आंसर मिलता है, ठीक है। आंसर में हमें क्या मिलता है? ज़ीरो आंसर मिलता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर हम किसी डिजिट में से ज़ीरो को माइनस करते हैं तो आंसर सेम डिजिट मिलता है, ठीक है। किसी डिजिट में से ज़ीरो को माइनस करते हैं तो आंसर में सेम डिजिट आंसर मिलता है, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम दो सेम नंबर्स को माइनस करते हैं, अगर दो सेम डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में हमें ज़ीरो मिलता है, ठीक है। क्या होता है? आंसर में हमें ज़ीरो मिलता है, ओके। सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 3.4, ओके बेटा। सॉल्व आपको करनी है, बहुत इजी है। क्या करना है? अगर किसी डिजिट में से ज़ीरो को माइनस करते हैं तो आंसर में अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या होगा? आंसर में हमें सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। आंसर में सेम आंसर मिलेगा हमें। 4328 माइनस ज़ीरो क्या आंसर आएगा बेटा? 4328, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर दो सेम डिजिट्स को हम माइनस करते हैं, अगर दो सेम डिजिट्स को हम माइनस करते हैं तो आंसर में क्या मिलता है? आंसर में हमें ज़ीरो आंसर मिलता है, ठीक है। क्या होता है? आंसर हमें ज़ीरो मिलता है, ओके ओके। फिर ये तो हम लोगों ने देखी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स क्या हैं, सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, ये देखेंगे। सो सब्ट्रैक्शन के फैक्ट क्या हैं? अगर हम दो डिजिट को ऐड करते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी के अकॉर्डिंग समझते हैं हम, ठीक है। कैसे? ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। ए हम मानते हैं 14, ठीक है, प्लस 12 इक्वल्स टू सी। सी मतलब दोनों में प्लस करना है, आंसर फाइंड आउट करना हमें। सो 14 प्लस 12 कितना होता है? 14 प्लस 12 कितना होता है बेटा? 26, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये क्या हुआ? ए क्या है? ए 14, बी क्या है? 12, ठीक है। ए 14, बी 12, सी इक्वल्स टू सी क्या है बेटा? 26, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। अब
अगर आपको आंसर में ए दे दिया जाए और सी दे दिया जाए, आपको बोलने की बी फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो कैसे करोगे? सी माइनस ए इक्वल्स टू बी, सी माइनस ए इक्वल्स टू बी, सी में से ए को माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? सेकंड, अगर हमें आंसर में ए नहीं दिया होता है, अगर हमें आंसर में ए नहीं दिया होता है, बी एंड सी दिए होते हैं एंड हमें ए फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? सी माइनस बी इक्वल्स टू ए, ठीक है? करके देखते हैं कैसे। सी माइनस ए, सी क्या है? 26। सी क्या है? 26। अभी ये भूल जाओ कि बी है या नहीं, ठीक है? हमने इसकी डिजिट छुपा लिया, हमें नहीं पता इसकी डिजिट क्या है। सो सी माइनस ए कर रहे हैं, सी क्या है? 26 माइनस ए क्या है? 14। ए क्या है? 14। सो 26 माइनस 14 इक्वल्स टू, माइनस करो बेटा, 26 माइनस 14, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, ठीक है? 6 माइनस 4 2 एंड 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो ये क्या आ गया बेटा? B इक्वल्स टू 12। B का आंसर क्या आ गया? 12 आ गया, ठीक है? B का आंसर क्या आ गया बेटा? 12 आ गया। और यहाँ B क्या है? यहाँ B क्या है? 12 है ना, यहाँ भी 12 है। मतलब क्या किया हमने? ये भी चेक कर लिया कि हमारा जो एडिशन है, ठीक है, वो सही है, ठीक है? हमने क्या चेक किया कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया वो हमारा सही है, ओके? इसी तरह से सी माइनस बी, सी क्या है? 26 माइनस बी, बी क्या है? 12। ए को भूल जाओ, क्या करेंगे? ए को भूल जाएंगे, 12 इक्वल्स टू ए, ठीक है? सो 26 माइनस 12, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 1 1, 14 आंसर आया। ए क्या है बेटा? 14 है ना, मतलब हमारा ये पूरा का पूरा हमने फिर से चेक कर लिया। हमारे पास अगर ए को फाइंड आउट करना है तो आंसर आ रहा है, बी को फाइंड आउट करना है तो आंसर आ रहा है, और दोनों को ऐड करके सी का आंसर हम लोगों ने फाइंड किया। सो एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन सेकंड देखो क्या है। ए देखो, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ठीक है? आप ये एक स्मॉल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिस ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया हुआ नहीं है, बट मतलब समझने के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो, ओके? सो ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। ए क्या है? 8637। बी क्या है? 1284 एंड सी क्या है? 9921, ठीक है? फाइंड आउट क्या करना है? 9921, ये क्या है? सी, आगे कौन सा साइन है? माइनस। सी माइनस ए इक्वल्स टू बी, और ये क्या है? ये भी सी है, सी माइनस बी इक्वल्स टू ए, ठीक है? सो ये आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क में बेटा ओनली नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल आपके ये हैं सब्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है? बस आपको इतना समझना है, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो सी माइनस ए इक्वल्स टू बी एंड सी माइनस बी इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है? इस तरह से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल देके बताया, ओके? सो बाय, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ओके? बाय।